ये है पुराना बम्बई, जिसकी बहुत सी हिस्ट्री है, जहाँ पे हर तरीके का खाना मिल जाता है, जिसकी नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जो अपने बाजारों के लिए माना जाता है। उसी तरह से ये मुंबई का एक ऐसा बाजार है जो कि मुंबई के सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जाता है, और ये सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन खुलता है, जो दिन है जुम्मा का। चोर बाजार जाने के लिए मैंने विरार से चर्चगेट की ट्रेन पकड़ ली, जिसमें मैं मुंबई सेंट्रल उतर गया, क्योंकि यहाँ से चोर बाजार बहुत ज़्यादा करीब है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वॉकिंग ही चले जाए, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चोर बाजार के लिए निकल पड़ा। किसी के लिए ये सुबह है तो किसी के लिए ये रात है, बट सुबह 2 से 3 के बीच ये बाजार खुलना चालू हो जाता है, पर यहाँ की भीड़ देखकर वक्त का पता ही नहीं चलता। जितना लो उतना कम है, जितना खरीदो उतना कम है, जितना घूमो उतना कम है। क्या प्राइस क्या है अपना? 200। यहाँ पर मैं हर चीज के बारे में तो डिटेल में बता नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ के बारे में बताने जाओ तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना भावताव करोगे उतना सस्ता मिलेगा, बट यस, कपड़ों में ये लोग ज़्यादा भावताव नहीं करते, मोस्टली जो रेट बताया गया है वही रेट में देते हैं। क्या प्राइस क्या आपने ये सब? क्या इसकी है ये वाला? ये 1500 रुपये की है, ये 2500 रुपये की, ये 1000 रुपये की, ये भी एप्पल लोगो वाली। ब्रांड से लेके लोकल सारी चीजें यहाँ मिलती है। अब बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं और ये कहते हैं कि पुरानी चीजों को नया बना के बेचा जाता है, तो कोई कहता है कि चोरी का माल होता है। ये बड़े से बाजार में भी दो मार्केट देखने मिलते हैं, एक वो जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे शूज, जैकेट्स, क्लोथ्स, सनग्लासेस, परफ्यूम्स, ये सारे ही सारे बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। और दूसरा वो वाला मार्केट है जहाँ शूट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर वो अभी काफ़ी दूर है। तो पहले यही मार्केट की हम बात करते हैं। बाजार घूमते घूमते मैं चाहता था कि कोई ऐसा मिले जो ये बाजार के बारे में थोड़ा बहुत भी बताए, वहाँ का लोकल आदमी जो कि ये बाजार के बारे में मुझे बताए। तो फाइनली जिनकी तलाश थी वो तो मुझे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल, ये है चोर बाजार। यहाँ 40 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। जे अस्पताल पे चोर बाजार, वहाँ से ऊँची जे अस्पताल, जे अस्पताल से आगे रोड आती है, रोड आगे लोग पूरे मेन रोड पे धंधा लगता है चोर बाजार में। चश्मा बताओ 450 का है, 450 रुपये का चश्मा है ये। दूसरा ये लोग 850 का है, समझे। परफ्यूम लोगे, परफ्यूम ले गए व्हाइट लंदन, ये 350 का है। और चोर बाजार में माल आता है सब, यहाँ वहाँ से आता है माल, जूना पुना उसको नया फ्रेश करके बेचते हैं, ये इसलिए चोर बाजार ही। और असली सच तो ये है कि यहाँ पे जो भी आपको कपड़े दिख रहे हैं वो सारे थ्रिफ्ट है। अब जिसको थ्रिफ्ट का मतलब नहीं पता, तो थ्रिफ्ट बेसिकली ये होता है कि यूज्ड क्लोथ्स होते हैं जो कि कोरिया, यूएसए, कनाडा और कुछ कंट्रीज से इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पे वॉश्ड होते हैं, उसको थोड़ा नया वया बना के उसको बेचा जाता है। तो बेसिकली ये सारे कपड़े थ्रिफ्ट है। तो अगर कोई शॉपिंग कर रहा है तो ध्यान से करना, बिकॉज रात के टाइम समझ में नहीं आते और बहुत से कपड़े डैमेज भी होते। थोड़ा सा पास आ जाओ। तो मुंबई की लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कई सुकून है तो कई शोर है, और ये चोर बाजार के अंदर भी बहुत सारे चोर हैं। चलू क्या अरब गली, अबे तू मेरे को मत दिखा, अबे सुन ना, बड़ी बड़ी गली का नाम लेके मेरे को मत बता, समझा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कहाँ का है? सुलेमान टावर का। कितने माले पे? 2 माले पे। चलू अभी तो अब जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई, और अभी जाएंगे, अभी गली नंबर 10 में जो मेन चोर बाजार है वो चोर बाजार है, वहाँ पे ना सब चोरी का सामान मिलेगा। अभी अपन वहीं जा रहे 10वीं गली में, अभी हम लोग 4वीं गली के साइड है, बता।
वहाँ पे चोर चोरी करके आते हैं और वहाँ पे माल बेचते हैं। और पहले सलीम वहीं काम करता था हमारा दोस्त। तो फाइनली अब हम वो बाजार में हैं जहाँ हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाता है और यहीं पर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स काम आती है। और निकालो ना यार। अब जरूरी तो नहीं कि आपको हर चीज चालू कंडीशन में मिले, बस आपकी किस्मत पे है। कुछ चीजें चालू होती है तो कुछ चीजें बंद, कुछ ओरिजिनल है तो कुछ डुप्लीकेट है। कहीं मोस्टली कोई चोरी का माल है तो फिर क्या पता कोई सेकेंड हैंड है। ये बाजार में खुलेआम वीडियो बनाने तो नहीं दिया जा रहा था, बट मैंने फिर भी अपना बेस्ट ट्राई किया कि कुछ चीज़ें दिखाई जाए जो वर्थ हो। तो मैंने बस कुछ काम की चीज़ें दिखाने का ट्राई किया और यहाँ बहुत कुछ मिलता है। ये बाजार बहुत बड़ा है, मैंने तो अब तक इसका आधा भी नहीं दिखाया। कैमराज, राउटर्स, लेंस, फोन्स, वॉचेस, चार्जर और बहुत कुछ है यहाँ पे जो कि सारा सेकेंड हैंड है या फिर चोरी का है। तो यहाँ पे जब भी आओ अपने चीजों को बहुत संभालना, जैसे फोन हो गया और पर्स हो गया, बिकॉज क्या पता आगे चल के कहीं आपके फोन पे ही बोली ना लग रही हो। यहाँ से मेरा चोर बाजार का सफर खत्म होता हुआ, अभी बज रहे हैं 7:10 और इससे ज्यादा मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जुम्मा का दिन था और घर जाके रेडी होके नमाज जाना था, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। बट एंडिंग में यही बोलना है कि जो चोर बाजार पहले था अब वैसा नहीं है। मोस्टली लॉकडाउन के बाद ये हाल हो गया है, जैसी पहले चीज़ें मिलती थी वैसी अब नहीं मिलती है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। तो बस यही थी चोर बाजार की एक छोटी सी स्टोरी, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।